हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है। अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स। ओके, एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि ऊपर से और नीचे से क्या है, ओपन है, एंड इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। तो ये जो है बना हुआ है 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल से, मतलब यहाँ पे जो मोटाई है, ये जो थिकनेस है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी होगा सब कुछ, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ओके, तो 1.5 सेंटीमीटर थिक है मीटर, एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो अब दे दिया है कि ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो डायमीटर है इसका, वो 12 सेंटीमीटर है। क्योंकि सिलेंडर है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट होगा वो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर सर्कल का जो डायमीटर है बाहर से एक्सटर्नल वाला वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इंटरनल होगा वो आप निकाल सकते हैं 1.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से माइनस करके। मतलब 1.5 और 1.5 ये भी होगा, दोनों मिला देंगे तो मिल जाएगा 3, और 3 माइनस करेंगे 12 में से 9। 9 सेंटीमीटर क्या है, इंटरनल डायमीटर है। तो खैर इतना हम लोग पता है। और क्या बोल रहा है फिर, एंड हाइट इज 84 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो हाइट है वो दे दिया है 84 सेंटीमीटर। ओके राइट। अब बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। अब जो है सिलेंडर को बनाने में कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल लगा है, मतलब केवल मेटल का, चारों तरफ का जो मेटल है वो कितना उसका वॉल्यूम होगा वो निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अंदर जो सिलेंडर का जो सेंटर है, जो अंदर है, ये जो इनर जो रेडियस लेकर के आप यदि जो वॉल्यूम निकालेंगे अंदर वाले सिलेंडर का, वो एकदम एम्प्टी है पूरी तरह से, वो मेटल से नहीं बना हुआ है, केवल एक्सटर्नली 1.5 सेंटीमीटर थिक जो ये चारों तरफ से मेटल का शीट लगा हुआ है, केवल वही, उसी का वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो हम करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटर्नल रेडियस से, एक्सटर्नल रेडियस कौन सा होगा, यहाँ से लेकर के और बाहर तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, और यहाँ से ले, मतलब यहीं से लेकर के यहाँ तक ये जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेडियस, है कि नहीं। तो यदि हम एक्सटर्नल रेडियस लेकर के और हाइट 84 सेंटीमीटर लेकर के यदि हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस और हाइट का यूज होता है वॉल्यूम निकालने में, तो क्या होगा कि पूरा ये कंप्लीट सिलेंडर का ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब अंदर का भी वॉल्यूम आ जाएगा और बाहर का जो सीट है उसका भी वॉल्यूम आ जाएगा कंप्लीट। अब उसमें से माइनस कर दें यदि हम इंटरनल रेडियस लेकर के जो वॉल्यूम आएगा उसको, तो केवल सीट का जो वॉल्यूम है वही निकलेगा। तो यही हमें काम करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्सटर्नल रेडियस। तो दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर, तो ये लिख देते हैं हम बस, एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू, दिया 12 सेंटीमीटर दिया डायमीटर, तो 12 का आधा कर देंगे, 12/2 मीन्स 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ गया क्या डायमीटर, सॉरी रेडियस आ गया एक्सटर्नल। अब निकालेंगे हम लोग इंटरनल रेडियस, निकाल लेते हैं यहीं पर, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटरनल निकालना है तो आपको इंटरनल डायमीटर निकालना पड़ेगा, और इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए 1.5 इधर से जो थिकनेस है और इधर से जो 1.5 थिकनेस है, इन दोनों थिकनेसेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डायमीटर में से माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस 3 है कि नहीं, 12 में से यदि 3 माइनस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, और 9 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तब जाकर मिलेगा रेडियस, है कि नहीं, डायमीटर निकला ना 9 सेंटीमीटर, ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगा वो 9 आएगा। तो 9/2 सेंटीमीटर हो गया क्या इंटरनल रेडियस, इतना ही रहने देते हैं, इसको डेसिमल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो है इनका रेडियस यूज करके, हाइट तो पता ही है 84 सेंटीमीटर, दोनों का हाइट तो उतना ही होगा, तो हम निकाल लेते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम यदि हम एक्सटर्नल रेडियस का यूज करेंगे और हाइट 84 सेंटीमीटर लेंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम बोलेंगे उसको। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमको दोबारा दो बार करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार निकाल सकते हैं, सिंस वी नो दैट, हम बस यहाँ लिखते हैं सिंस, क्या निकालना हमें है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, मेटल यूज्ड इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हम लोग जब एक्सटर्नल रेडियस लेंगे और हाइट तो 84 लेना ही पड़ेगा,
तब जाकर के निकलेगा एक्सटर्नल वॉल्यूम, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरनल वॉल्यूम को। इंटरनल वॉल्यूम निकलेगा किस तरीके से, तो इंटरनल रेडियस लेकर के और हाइट जो है 84 सेंटीमीटर लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगा इंटरनल वॉल्यूम। तो इंटरनल वॉल्यूम को यदि माइनस कर देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम से, तो केवल बाहर का जो ये सीट है, जो मेटल का, जिस मेटल से बना हुआ है ये सिलेंडर, वो निकल जाएगा उसका वॉल्यूम, राइट। तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए हो जाएगा पाई, हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम को यहाँ पर डोनेट कर देते हैं, मतलब रेडियस को कैपिटल आर से, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एच होता है फिर, तो हाइट जो सेम है तो हम स्मॉल एच यूज कर ले रहे हैं, माइनस यहाँ पर रेडियस जो है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो पाई कैप स्मॉल आर स्क्वायर एच, राइट। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, देखिए इसमें से पाई एच कॉमन ले सकते हैं आप, तो कैपिटल आर स्क्वायर सबका वैल्यू रखते जाएं तो अच्छा रहेगा, या फिर एक बार यूज ही कर लेते हैं। ओके, पाई एच यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉमन, ये मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, और ये हो जाएगा एच, हाइट हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, सबको हम सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, मतलब रेडियस और हाइट सबका जो यूनिट है वो हम लोग सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। 84 हो जाएगा हाइट और कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल रेडियस, स्मॉल है 9/2 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर हो जाएगा ये 9/2 का होल स्क्वायर, और बाहर से ये लगा देते हैं। ओके, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना है और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। यहाँ देखिए 7 - 7 यहाँ से कट जाएगा, ये 7 - 7 यह बजेगा 14, और 7 - 14 मीन्स 12 और 22 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर नहीं करेंगे अभी, बाद में करेंगे तो सही रहेगा। चलिए लग देते हैं यहाँ पर 22 × 12, यहाँ पर सॉल्व करिए, तो 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया एक तरह से, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा 6 - 9/2 हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। फिर हम कर देंगे ए प्लस बी मीन्स 6 + 9/2। ओके, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 22 × 12। अब यहाँ सॉल्व कर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, एंड 12 - 9, 12 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 मीन्स 3/2 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर देखिए 6 × 2 = 12, एंड 12 और 9 ऐड कर देंगे, तो 12 में 9 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 21 / 21/2, राइट। अब देखिए ये 2 कट जाएगा यहाँ से 12 से 2, और ये 2 भी कट जाएगा, अब 3 आएगा यहाँ पे, है ना। 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो अब ये फाइनली हो चुका है, और हम मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे आंसर निकालेंगे आपका। तो ये 22 है इनटू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो बचा हुआ है देखिए 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, और 21 है, तो 3 × 9, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तो मिलेगा 9 × 9, और 9 × 2 = 18, 189 आ गया। और 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई आप जानते हैं कैसे करना होता है, और ये जो भी आया है वो किस में आएगा, क्यूब में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 9 × 18 = 8, ठीक है। कितना कैरी ओवर, ओके 1 कैरी ओवर, एंड 8 और 9 ऐड कर दीजिए, 16 × 17 = 34, 34 + 1 = 35, 35 + 5 3 कैरी ओवर, ओके, एंड 8 + 1 = 9, 9 + 18, 18 + 3 = 21, 21 + 1, और 1 + 2 = 2, 4, ओके, तो 4158 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो है वॉल्यूम एक्चुअली होगा किसका, मेटल का, वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड। ओके, आशा है कि आप समझ में आ गया होगा बिल्कुल, यदि आया तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, और यदि कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।